राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी हैं, वहीं राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी करार दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े दुश्मन राहुल गांधी हैं और सुरक्षा एजेंसी को सबसे पहले उनका नाम लाना चाहिए। वहीं ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना। राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी है। तो देखिए, रोनित सिंह का यह बयान सामने आया है और इस बयान के बाद से सियासत भी तेज है, लेकिन क्या कुछ कहा रोनित सिंह ने वो भी एक बार बताते हैं। उन्होंने आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी देश का करार राहुल गांधी को दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश के सबसे बड़े दुश्मन राहुल गांधी है और वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसी को सबसे पहले उनका नाम लाना चाहिए। तो ये विवादित बयान, बड़ा बयान सामने आया है, राहुल गांधी को विदेशी बताया, वहीं कहा कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। तो राहुल गांधी पर बयान के बाद से जाहिर सी बात है कि सियासी कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, लेकिन राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद से अब सियासत गर्म होती नजर आ रही है। बता दें कि भागलपुर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर यह बयान सामने आया है, जहां केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रोनित सिंह पिट्टू ने राहुल गांधी पर यह बड़ा बयान दिया है। और देखिए, वहीं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रोनित सिंह पिट्टू के बयान का बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने समर्थन किया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री रोनित सिंह पिट्टू जी ने ठीक ही कहा है, भारत विरोधी ताकतों से कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हाथ मिला लिए हैं। विदेशों में जाते हैं तो चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत को खंडित करने वाली भाषा बोलते हैं, यह ठीक नहीं है। तो देखिए, बीजेपी ने भी समर्थन किया है उस बयान का और कहा है कि जिस तरीके से देश के बाहर जाकर के विदेशों में देश के प्रति एक नकारात्मक छवि राहुल गांधी सामने रखते हैं, वो कहीं से भी जायज नहीं लगता है और ऐसे में कह सकते हैं कि देश विरोधी वो काम राहुल गांधी करते हैं। तो बीजेपी लगातार हमलावर भी है, राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान समय दर समय सामने आता और खास करके विदेश की धरती पर भारत को लेकर के जो बयान सामने आते राहुल गांधी को का उसको लेकर के बीजेपी हमलावर दिखाई देती है। और देखिए, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रोनित सिंह पिट्टू के बयान का आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उस पर पलटवार किया है। देखिए, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रोनित सिंह पिट्टू जी श्री राहुल गांधी जी को विदेशी और आतंकवादी बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो इनका तो मानसिक इलाज करना चाहिए। ये तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकता है। कोइलवर में अस्पताल है, इनका इलाज पहले कराना चाहिए। ये कितने दिन बीजेपी में रहेंगे इनका ठिकाना नहीं है। श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इनको ये पता नहीं है कल तक श्री राहुल गांधी जी के नाम का गुणगान करते थकते नहीं थे, और अभी तो कुछ ही माह हुए हैं और बीजेपी में ताबड़तोड़ तेल मालिश करने में लगे हुए हैं। ऐसे बयानों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मंत्रियों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद भारत